आई हैव कम विद वीडियो नंबर 34, सेम चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड लास्ट इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई ऑल्सो डिफाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर. टुडे वी विल कंटिन्यू टू इंट्रोड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वट इज देयर इफ z equal to a plus iota b, b a complex number, अगर मान लो ये complex number है, then a, ये छोटा a, is called real part मतलब इसके साथ iota नहीं है, real part of z. जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है एंड इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज ऐसे आर ई मतलब रियल, ये ऑफ, ये ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड. तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए. एंड बी इज कॉल्ड, ये बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड एज एज आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं. इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ लिखा है, होता ए भी रियल नंबर है बी भी रियल नंबर है, लेकिन जो अयोटा के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट बोलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्शन इतना ही है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अयोटा जो होता है दैट इज रूट ऑफ माइनस वन. अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो माइनस वन बचेगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन होता है. ऐसे ही आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा होता है. ये सारे याद रखने हैं आपने, जब हम क्वेश्चन करेंगे उनमें यूज़ करेंगे. ये भी आपने लर्न करना है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 वो प्लस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा की पावर 4 प्लस 1. तो ये सारी बातें आपने जवानी याद रखनी है, इनको आपने लर्न करना है. कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एक और बात आपको याद रखनी है इसके साथ साथ, उसमें मैं आपके लिए लिख दूँगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी, जब b i भी लिख सकते हैं, i मतलब आयोटा, इज कॉल्ड a प्लस आई बी फॉर्म भी कहते हैं इसको, a प्लस और स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जहाँ बोलें ए प्लस आई बी फॉर्म, आई बी में आयोटा बी फॉर्म भी कहते हैं. उधर क्वेश्चन सीधा आता है एक्सरसाइज में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ए प्लस आई बी फॉर्म, तो इसका मतलब ऐसे बनाना है. जहाँ ये नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये फॉर्म बनानी है. तो ये बातें भी आपने इसमें याद रखनी है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक आता है इसमें एडिटिव इनवर्स और दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही निकालना है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स, पहले मैं एडिटिव इनवर्स बता देता हूँ आपको. जैसे मान लो z इक्वल टू a प्लस आई बी, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ही कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं.
तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, इट्स एडिटिव इनवर्स, तो वो हो जाएगा माइनस जेड। मतलब जेड ये प्लस का है तो उसको माइनस कर दो, जैसे कि तो माइनस जेड का माइनस तो इधर ही रहने देते हैं। जेड का वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी, तो माइनस से ब्रैकेट खोल दो, माइनस ए माइनस आई बी। तो ये इसका मतलब ए प्लस आई बी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लो जेड इक्वल टू ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस आई बी, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स तो इक्वल टू साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो माइनस है, ये माइनस का है तो प्लस आई बी। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिशन का उल्टा। तो एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होता है, एडिशन। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।